हम लोग बात कर रहे हैं 21वीं सदी के सबसे बड़े व्यापार की। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री, देश विदेश के अर्थशास्त्री ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड आने वाले समय का, भविष्य का सबसे उभरता हुआ सबसे बड़ा व्यापार है, जहां कोई भी इंसान, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो बिजनेस क्लास है, चाहे वो जॉब करते हो या एग्रीकल्चर फील्ड से है, चाहे वो स्टूडेंट है, कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे, मात्र चंद समय में अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं, हर वो चीज अचीव कर सकते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, स्वास्थ्य या अपने समाज में एक बड़ा नाम, सोशल वर्क के साथ अपने परिवार को स्वस्थ रखते हुए वो अपने सारे सपने मात्र चंद समय में पूरे कर सकते हैं। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल इस दशक में तैयार हुए हैं जहां एक कॉमन व्यक्ति इस सिस्टम के माध्यम से अपने सारे सपने अचीव कर रहे हैं। तो आइए, स्वागत है आपका ऑल्टोस के जर्नी ऑफ सक्सेस पे। तो यहां पे मैं आपको बात करने वाला हूं एक ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर आप अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखते हुए अपने सारे सपने अचीव कर सकते हैं। तो आइए इस शानदार कंपनी के शानदार प्रोफाइल के विषय में बात करते हैं। 1981 से अभिषेक फार्मास्यूटिकल के नाम पे ये कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने का काम करती आई है। सन 2000 से ऑल्टोस लुधियाना से रजिस्टर्ड होकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रही है। 17 साल की एक्सपीरियंस कंपनी है, 17 इयर्स की एक्सपीरियंस कंपनी है। सबसे बड़ी बात है, प्राउड मेंबर ऑफ IDSA है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की प्राउड मेंबर है, जहां लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम और एक बिग टाइम कैरियर बना सकते हैं। इतना ही नहीं, लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है ऑल्टोस में, जिनमें से 90% से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, खुद के साइंटिस्ट है। और इस कंपनी के CMD रेनॉल्ड आयुर्वेद डॉक्टर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी हैं, और इस कंपनी के बिजनेस डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी हैं, जो अश्विनी जी के इकलौते सुपुत्र हैं। ये कंपनी ISO 9001:2008 सर्टिफाइड कंपनी है। इतना ही नहीं, लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है, जिनमें से 90% से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, और ये कोई कॉमन प्रोडक्ट नहीं, GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का लाइसेंस है। हम हेल्थ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, एग्रीकल्चर, होम केयर, पर्सनल केयर जैसे रेंज पे काम करते हैं। और एक ऐसा सिंपल सिस्टम है जहां पे कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी कैरियर बना सकता है। एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट आपको बेहद ही रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड किया जाता है। साथ में मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसा सिंपल एंड इफेक्टिव सिस्टम है जहां कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ को चेंज कर सकता है, अपने सपने को अचीव कर सकता है। और यहां आप अकेले नहीं, आपके साथ प्रोफेशनल, डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस सीनियर साथी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस समय में, इन कुछ सालों में अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा बदलाव किया है। और साथ में मैं बताना चाहूंगा, ऑल्टोस का 100% सर्विस भी आपको कमिटेड के साथ में आपके साथ है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ साथ ट्रस्टेड, प्रूवन एंड एजुकेशन सिस्टम है ऑल्टोस एकेडमी, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो स्टेप टू स्टेप आपको गाइड करता है आपके सारे सपने को अचीव करने के लिए, ऑल्टोस एकेडमी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना ही नहीं, ये कंपनी प्राउड ऑफ कंट्री की अवार्डेड कंपनी है, यानी एक ऐसी कंपनी जिसे देश का गौरव नाम से ख्याति प्राप्त कंपनी है, एक शानदार कंपनी जिसमें कोई शानदार करियर बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग इस शानदार कंपनी के शानदार प्रोफाइल। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसके मिशन एंड मिशन के बारे में। इसका मिशन है टू मेक ईच फैमिली हेल्दी एंड वेल्दी, विश्व के हर परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाना ऑल्टोस का एकमात्र उद्देश्य है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड में वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनियों से आगे जाने के सारा गुण ये रखती है, और सारी बड़ी कंपनियों में सबसे ऊपर आने का श्रेय रखती है, और उसी ओर लगातार काम चलता आ रहा है। जब हेल्थ की बातें आती हैं, तो आइए मैं एक सर्वे रिपोर्ट आपके बीच में रखना चाहूंगा। सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है, आज के डेट में हर व्यक्ति के पास में जो भी वो आमदनी करते हैं, उसका 40-50% पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाकर वो इलाज में खर्च कर देते हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आज के डेट में भारत में हर साल 6,00,000 करोड़ से ज्यादा लोग केवल इलाज के ऊपर खर्च कर रहे हैं। कई सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बात करते हैं डायबिटीज की। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आज के डेट में हर 7 में से एक आदमी को डायबिटीज है। आज के डेट में हर 7 में से एक आदमी को डायबिटीज है।
इंडिया का हेल्थ बजट वर्तमान 38,999 करोड़ का है और केवल डायबिटीज पे 2,00,000 करोड़ सालाना मेडिसिन की खपत हो रही है। अगर मैं बात करूं जॉन्डिस, पैरालिसिस, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कई बीमारियां बड़ी तेजी से ग्रोथ करती जा रही है। अगर इसी क्रम में मैं बात करूं हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार आज के डेट में हर मिनट में 4 आदमी हार्ट अटैक की वजह से डेथ कर रहे हैं। पहले हम मानते थे ये वृद्ध में होने वाली बीमारी है, ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 30% से ज्यादा लोग 25 साल, 30 साल, 40 साल के बीच के लोग हैं जिनको हार्ट अटैक होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लड़कों में 11 साल से और लड़कियों में 14 साल से ब्लॉकेज की शुरुआत हो जाती है। हर दिन 900 से ज्यादा लोग केवल इस हार्ट अटैक की वजह से जान गंवा रहे हैं। ओबिसिटी, 50% से ज्यादा लोग आने वाले मात्र 10 साल में ओबिसिटी के शिकार बनते जा रहे हैं। ओबिसिटी अपने आप में केवल एक बीमारी नहीं है, अपने आप में कई बीमारी का इन्विटेशन है। इसी तरह से बात किया जाए तनाव भरी लाइफ, स्ट्रेस, 50% से ज्यादा एम्प्लॉय वर्क स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं। 23% से ज्यादा पुरुष, 22% से ज्यादा महिलाएं और 35% से ज्यादा स्कूली बच्चे हाइपरटेंशन जैसी बीमारी का शिकार हैं। और ये हाइपरटेंशन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारियों को आमंत्रण करता है। इतना ही नहीं, अगर बात किया जाए तो ज्वाइंट पेन, पहले हम ये मानते थे ज्वाइंट पेन केवल बुढ़ापे में होता है, लेकिन आज विश्व भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोग और केवल भारत में 25 करोड़ से ज्यादा लोग ज्वाइंट पेन के शिकार हैं। आज के डेट में जन्म के साथ गैस्ट्रिक और 40 के बाद ज्वाइंट पेन फ्री है। आप सीए हैं, पीएम हैं या आप राष्ट्रपति हैं कोई मायने नहीं, लेकिन गैस्ट्रिक और ब्लड प्रेशर, ज्वाइंट पेन सबके पास पहुंच रहा है। बात करूं माय डियर फ्रेंड कैंसर, हर साल 7 से 8 लाख लोग इस खतरनाक बीमारी की वजह से जान गंवा रहे हैं। ताजा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 75% लोगों को कैंसर होने की संभावना है। आए दिन हम व्हाट्सएप में देखते हैं प्लास्टिक का चावल, कोल्ड ड्रिंक से कैंसर, फ्रिज के पानी के बोतल से कैंसर, कब किसको कहां कैसे कैंसर हो जाए कोई नहीं जानता। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, कोलोन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, थॉट कैंसर, लीवर कैंसर दुनिया भर के रूप में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बात की जाए तो आज के डेट में 30% से ज्यादा लोग स्मोकिंग के वजह से इस कैंसर के मरीज हैं और हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग केवल स्मोकिंग के वजह से जान गंवा देते हैं। लिस्ट लंबी है, मैं सारे लिस्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास दो रास्ते हैं, हम सीएम है, पीएम है, पैसा है या नहीं है, क्या रोग आएगा या नहीं आएगा, रोग हमारे पास आएगा। उपाय क्या है? एक, हम भी खूब सारा पैसा जमा कर लें हार्ट, किडनी, लीवर के लिए, डॉक्टर फाइनल कर लें, हॉस्पिटल फाइनल कर लें, एम्बुलेंस वाले का नंबर रख लें और बीमार होने का इंतजार करें। दूसरा, हम और मेरा परिवार कैसे स्वस्थ रहे इसका उपाय करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं स्वस्थ हूं, सर आप ये गारंटी दे सकते हैं कि कल भी आप स्वस्थ रहेंगे? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज हम स्वस्थ हैं, इंपॉर्टेंट है कल स्वस्थ बने रहें, इसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या करना चाहिए सर, बीमारी का इंतजार या स्वस्थ रहने का प्रयास? बीमारी का इंतजार या स्वस्थ रहने का प्रयास? लेकिन ये केवल कोटेशन बन गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम बात करें तो हम कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चे के हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, लेकिन क्या स्वस्थ हम रहे और हमारा परिवार रहे, इसका कोई रोड मैप है हमारे पास? कोई भी स्ट्रेटेजी है, कोई भी प्लानिंग है? टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन कल मुझे डायबिटीज ना हो, कैंसर ना हो, इसका कोई प्लान नहीं है। हम मकान बनाते हैं तो पहले MCB लगाते हैं, हम कार खरीदते हैं तो इंश्योरेंस करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो पहले स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, इवन घर में कुत्ता खरीदते हैं तो पहले इंजेक्शन लगाते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन प्रिवेंशन में सबसे लास्ट नंबर इस बॉडी का आता है। तो ऐसे में करना क्या है? आप डॉक्टर के पास जाके पूछे कि सर मुझे डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या करूं, कई सारे डॉक्टर ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे मुझे भी क्या पता, मुझे खुद डायबिटीज हो रखा है। रिपोर्ट के अनुसार 56% से ज्यादा डॉक्टर आज के डेट में हार्ट पेशेंट है। डायबिटीज के इलाज करने वाले डॉक्टर को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के इलाज करने वाले डॉक्टर को ब्लड प्रेशर हो रखा है।
सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स बताते हैं, आइए उन सॉल्यूशन पे बात करते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं ए बी सी डी, अगर इस चार काम को हम करते हैं तो हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। ए से एक्टिवेटर, हमारा यह शरीर सेल एंड ऑर्गेन का समूह है, अगर सेल एंड ऑर्गेन अगर ठीक रहेगा तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी। तो सेल एंड ऑर्गेन के लिए हमें प्रॉपर खान पान का होना जरूरी है, बट हमें जो नहीं खाना चाहिए वो हम खा रहे हैं, हमें जो खाना चाहिए वो हम नहीं खा रहे हैं। हम स्वाद के लिए खा रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहे हैं। और स्वाद वाला ऑर्गेन तो जिंदा रहता है लेकिन बाकी आंख खराब, कान खराब, नाक खराब, दांत चला गया, लीवर गया, किडनी गया, हार्ट गया, केवल जीभ बच गया, क्योंकि जीभ को ही खाना दे रहे हैं, केवल जीभ को ही खाना दे रहे हैं। तो हमारा साइंस ये बताता है ए से एक्टिवेटर, अपने सेल एंड ऑर्गेन को एक्टिव रखेंगे। बी से बैलेंस, वात पीत कफ अगर बैलेंस रहेगा तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। एंड तीसरा थी से क्लींजिंग, हमारी इंटरनल बॉडी को डेली क्लीन करना बेहद जरूरी है। हम घर को दो बार झाड़ू करते हैं, कार को कार वॉश में देते हैं, महंगे कपड़े को ड्राई वॉश में देते हैं, बाल के लिए शैंपू खरीद के आते हैं, कंडीशनर लेकर आते हैं, स्किन के साबुन लेकर आते हैं, लेकिन बॉडी के इंटरनल साफ के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते, जबकि इंटरनल क्लींजिंग रेगुलर बेहद ज्यादा जरूरी है। एंड चौथी चीज है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। अगर ये चार काम हम कर पाएंगे ताजीवन ता उम्र हम और हमारा परिवार स्वस्थ रह सकता है। और ये कैसे होगा? ये ना कैप्सूल से होगा, ना इंजेक्शन से होगा, ना स्लाइन से होगा, अगर ये होगा तो आयुर्वेदा से होगा। आयुर्वेदा से, आयुर्वेद, आयुर मतलब लाइफ एंड वेद मतलब नॉलेज, जो लाइफ का ज्ञान देता है। आज के डेट में सारा हेल्थ इंडस्ट्रीज बीमार होने के बाद काम कर रही है, ऑल्टोस आपको बीमार नहीं हो इसलिए काम कर रही है।